नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम है आप सब लोगों का आप सबके अपने फेवरेट चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हैं, वो है कलाकारों का टॉपिक। जी हाँ, आप में से जितने भी लोग बनना चाहते हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस, तो कला की इस दुनिया का जो रहस्य कुंडली के पर्सपेक्टिव, कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो मैं आप सबसे रूबरू होना करना चाहूंगी, वो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगी। और चंद्रमा प्रतीक होता है एक्टिंग का, चंद्रमा प्रतीक होता है कला का। अब ध्यान रहे, यहां मैं बात फेम की नहीं कर रही हूं, फेम एक अलग चीज है, कला एक अलग चीज है। आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप फेमस होना चाहते हैं, दो अलग बातें हैं। तो ये आज की जो वीडियो है, ये सिर्फ एक एक्टर बनने की जो वीडियो है, एक्टर कैसे बना जाए, ऐसा क्या आपकी कुंडली में होना चाहिए कि आप एक अच्छे, बेहतरीन, कामयाब, खूबसूरत और जो है एक्टर बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पहले कह चुकी हूं कि चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में प्रतीक होता है एक्टिंग, एक्टिंग का, जो कला से जुड़ी दुनिया है, कला से जुड़ा जगत है। तो अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो आपके केंद्र के स्थान पे, आपकी लग्न कुंडली में केंद्र के स्थान पे अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी कि पहले, चौथे, सातवें और दसवें घर में, भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपको एक अच्छा अदाकार, अच्छा कलाकार बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। बट अगर वहां पे कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो अड़चनें जरूर आ सकती है। तो अड़चनों के लिए ही हम यहां बैठे हुए हैं। अड़चनों का उपाय है चंद्रमा का कार्ड, मेजर अकारना का टैरो का, जिसे हम एनर्जाइज करके आपको देंगे। यंत्र और मंत्र से प्रभावित ऊर्जाओं से संपूर्ण ये कार्ड की जब पेंटिंग आपके घर में लगेगी, और ये पेंटिंग की जो दिशा है वो होगी नॉर्थ दिशा, नॉर्थ दिशा में आप इस पेंटिंग को लगाएंगे, और वहां लगाएंगे जो आपका कार्य स्थान है, जो आपका वर्क स्टेशन है, जहां आप अपनी कला को प्रैक्टिस करते हैं। ड्राइंग रूम हो सकता है, लिविंग रूम हो सकता है, वहां पे आप बेडरूम में आप इसे नहीं लगाएंगे। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, बेडरूम में आपने इस पेंटिंग को नहीं लगाना है। लकी नंबर आपके लिए रहेगा 2, 10 और 5, और ये लकी डेट्स पे आप इस पेंटिंग को जो है स्थापित कर सकते हैं। दिशा में आपको बता चुकी हूँ, नंबर्स में आपको बता चुकी हूँ, और कारक जो एक्टिंग का है वो चंद्रमा है। जैसे कि चंद्र की जो मूवमेंट होती है, चंद्र अपनी शेप आसमान में बदलता है, हर 2.5 दिन बाद जो है चंद्र की मूवमेंट आप देखेंगे चेंज होती है, एक घर से दूसरे घर में कुंडली में जाता है, और हर दिन, रोजाना, 24 घंटे के बाद हर रात चांद का एक अलग रूप होता है। इसी तरह कला की दुनिया में कलाकार का हर दिन एक अलग रूप होता है। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट जो है, चंद्रमा इमोशंस का भी प्रतीक होता है कुंडली में, और कलाकार बहुत ही इमोशनल होते हैं, तभी वो इमोशंस को जो है पोर्ट्रे कर सकते हैं, किरदार पे उनकी पकड़ ऐसी होती है कि जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर कोई कलाकार भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, कि जब भी आप एक कैरेक्टर को पूरा संपूर्ण रूप से दर्शा लें, कर लें कैमरा के आगे या थिएटर में, तो बाद में 1-2 महीने का गैप लें और फिर ही दूसरे कैरेक्टर में और दूसरे किरदार में जाइए। तो नमस्कार, मैं हूं शिल्पा डी डर, और मैं बोल रही हूँ ये हूँ शिल्पा डीडर, ऐसे कि मैं कोई और कलाकार हूँ और किसी और का जिक्र कर रही हूँ, मैं भी कलाकार बन गई हूँ यहाँ पे। तो इसी के साथ मैं वीडियो जो है समाप्त करती हूँ, बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चाहते हैं मैं टॉपिक लेके आऊँ, वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए। इजाज़त लेती हूँ आप सबसे, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।